कांडी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत शिवपुर पंचायत के तेलिया बांध गांव में आयोजित कोस्को बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के खिताब पर जयनाथ की टीम ने कब्जा जमाया। फाइनल मुकाबला जयनाथ बनाम सोनपुरवा की टीम के बीच खेला गया। टॉस जीतकर बैटिंग करने उतरी सोनपुरवा की टीम ने 11.2 ओवर में 64 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें भोलू ने 25 रन की पारी खेली जिसमें 4 छक्का शामिल है। जयनाथ की टीम ने खिलाड़ी पुटी ने 11 रन देकर 4 विकेट चटकाया। जवाबी पारी खेलने उतरी जयनाथ की टीम ने 3 विकेट खोकर विजयी हासिल कर लिया। इस तरह जयनाथ की टीम ने 7 विकेट से विजयी रही। अपनी टीम के लिए सिद्धू ने 11 बॉल पर 37 रन की पारी खेली, जबकि सोनपुरवा के खिलाड़ी विवेक ने 6 रन देकर 2 विकेट हासिल किया। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के खिताब जयनाथ टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी पुट्टी को दिया गया। टूर्नामेंट में उपस्थित खिलाड़ियों व दर्शकों को संबोधित करते हुए समाज सेवी सह राजद नेता नरेश सिंह ने कहा कि किसी भी खेल में हार जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति आपके सुख दुख में आपका साथ दे, आप सभी भी उस व्यक्ति का साथ देने का प्रयास करें। मैं युवाओं के साथ हर कदम पर खड़ा हूं। शिवपुर पंचायत के पूर्व मुखिया जय किशुन राम ने घोषणा करते हुए कहा कि कोविड संक्रमण समाप्ति के बाद पंचायत स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा, जिसमें पंचायत के अंदर के ही खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग लेंगे। खेल में एम्पायर की भूमिका लालमेंदर कुमार व यशराज ने निभाया, जबकि कमेंटेटर के रूप में अभिनंदन शर्मा थे। मौके पर बीटीसी शोभा देवी, हरिनाथ चंद्रवंशी, सत्यनारायण प्रसाद, दुदुन उपाध्याय, प्रमोद उपाध्याय, हरिनारायण पांडे, नरेश चौधरी, राम नरेश शाह, गिरवर साहू, अली हुसैन अंसारी सहित बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे।